हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एजुकेशन चैनल टॉपर स्टॉप। आई एम डॉक्टर कनिष्का हेयर। गाइस, इस वीडियो में हम आज लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो हम नेशनल मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे 1905 से लेके 1918 तक। तो इसमें गदर कॉन्स्पिरेसी जो थी उसको डिस्कस किया जाएगा, होम रूल लीग मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी उसको डिस्कस किया जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था, किस तरीके से सपोर्ट किया गया था या फिर नहीं किया गया था, और लखनऊ पैक्ट क्या था, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करके 1905 से 1918 तक की मूवमेंट के जितने भी पार्ट्स थे, जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई, वो आज हम खत्म कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1919 के बीच में, तो उस टाइम नेशनलिस्ट का रिस्पॉन्स क्या था। पहली बात तो जो ब्रिटेन था वो फ्रेंच, रशिया, यूएसए, इटली और जापान के साथ मिलकर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा था। यहाँ पर देखते हैं नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, तो मॉडरेट्स तो आप देखिए कि एक तरीके से पॉलिटिकल एक अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखना ही चाहते थे ब्रिटेन के साथ हमेशा से। तो ऑब्वियस ये बात है कि मॉडरेट्स ने एम्पायर को इस टाइम सपोर्ट किया होगा। एक्सट्रीमिस्ट ने भी एम्पायर को यहाँ पे सपोर्ट किया, बट यहाँ पे उनसे ये गलती हुई क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट ने ये सोचा था कि अगर हम ब्रिटेन को ऐसे वॉरलाइक सिचुएशन में हेल्प करेंगे तो वो ये समझेंगे कि इंडिया उनके लिए कितना लॉयल है, ब्रिटेन के मन में उनके लिए ग्रेटिट्यूड आएगा और वो इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, जो कि एक्सट्रीमिस्ट की सोच फिर बाद में गलत प्रूफ हुई। वहीं पे जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये देखा कि देखिए अभी ब्रिटेन वॉर के अंदर है, उसके पास एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन भी आ रहा है, जो आर्म फोर्सेज है, जो इक्विपमेंट्स है, वो भी सारे लड़ाई की जगह जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका आया है कि इस टाइम हम वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं ब्रिटेन के ऊपर और अपनी कंट्री को लिबरेट कर सकते हैं। ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हुई थी गदार पार्टी के साथ। देखिए, गदार पार्टी जो है वो अभी करंट अफेयर में भी है, क्योंकि अभी जो हम इंसिडेंट पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड एक पर्सनैलिटी थी, तो उन्होंने एक ऑफिसर को असैसिनेट कर दिया, तो उनका मर्डर कर दिया था। तो उस बेसिस पे अभी पार्लियामेंट में जिक्र हुआ था, तो गदर पार्टी के बारे में न्यूज़ में था, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो गदर जो था वो बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप था जो कि एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करता था द गदर के नाम से। इसी न्यूज़पेपर से इनकी एक्टिविटी शुरू हुई थी, फिर इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में अपना हेडक्वार्टर बनाया सैन फ्रांसिस्को में। और ये जो पार्टी थी इसमें बेसिकली जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे वो एक्स सोल्जर्स हुआ करते थे या फिर पीजेंट्स हुआ करते थे। देखिए, जो पंजाब से यूएसए या कनाडा गए थे किसान या फिर जो सोल्जर्स थे अपनी सर्विस टाइम में, वो वहाँ पे जाके बस गए थे। जब उन्होंने देखा कि इंडिया की हालत ऐसी हो रही है, तो उनको लगा कि हमें अब इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो बेसिकली गए बेटर एम्प्लॉयमेंट के लिए थे, बट अब वो रेवोल्यूशनरीज में चेंज हो चुके थे। तो अगर हम प्री गदर से पहले देखते कि क्या क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो चुकी थी, तो देखिए कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ थी लाइक जैसे रामदास पुरी, जी डी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल। इन्होंने 1911 में अकेले एक हीरोइक एक्शन के थ्रू रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की थी, बट हीरोइक एक्शन के थ्रू कोई रिजल्ट नहीं आया था, इस वजह से उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया। तो 1913 में गदर जो थी वो एस्टेब्लिश हुई थी। उससे पहले दो ऑर्गेनाइजेशंस और बनाई गई थी अमेरिका में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में बनाई गई, जिसमें सबसे पहले बनाई गई थी स्वदेश सेवक होम, जिसको कि अर्ली एक्टिविस्ट ने सेटअप किया था वैनक्यूवर में, और जो इंडियन यूनाइटेड इंडिया हाउस था उसको सैटेले में सेटअप किया गया था। अब जो बेसिकली गदर के पीछे लीडर्स थे उनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी पहले ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह, साराबा, बकतुल्ला और भाई परमानंद, ये छः के छः जो थे वो लीडर्स थे गदर मूवमेंट के लिए। और जो करतार सिंह साराबा था, इन्होंने ही मर्डर किया था एक ऑफिशियल को, जिससे रिलेटेड न्यूज़ भी अभी आई थी, जिसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक को। तो बेसिकली जो गदर मूवमेंट थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ी क्यों थी, उनके जो प्लान्स थे उनको एंकरेजमेंट मिली थी दो इवेंट से जो कि 1914 में हुए। एक तो हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या दी थी, एक अपॉर्चुनिटी दी थी रेवोल्यूशनरीज को, जिससे कि वो इंडिया को लिबरेट कर सकते थे। और वहीं पे कुमागता मारू इंसिडेंट हुआ था, जो अभी बेसिकली न्यूज़ में है जिससे स्पेसिफिक। तो इस इंसिडेंट के बाद गदर जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब हमें ब्रिटिशर्स को इंडिया से निकालना ही निकालना है। बेसिकली जो कुमागता मारू इंसिडेंट था वो था क्या,
कोमगता मारू जो था वो एक शिप का नाम था जिसके अंदर 370 पैसेंजर्स थे, और ये जो 370 पैसेंजर्स थे वो सिख या पंजाबीज थे, पंजाबी मुस्लिम्स थे। तो ये जो थे सिंगापुर से कनाडा जा रहे थे, बट कनाडा में इनको टर्न बैक कर दिया गया कि नहीं आप कनाडा में एंटर नहीं कर सकते। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, कनाडा तो दूसरी कंट्री है बट हम अपनी कंट्री में तो जा सकते हैं। वहीं पर शिप जो थी कलकत्ता में पहुंची 1914 में, वहाँ पर भी ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने इनको लाने से मना कर दिया, कहा कि आप एंटर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ जो सिख्स थे और जो पंजाबी मुस्लिम्स थे और ब्रिटिशर्स के बीच में, और इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में 22 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही ये 22 पर्संस की डेथ हुई तो गदर लीडर्स जो थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम ब्रिटिश रूल के ऊपर वॉयलेंट अटैक करेंगे। तो जो लीडरशिप थी उसके अंडर करतार सिंह साराभा और रघुबर दयाल गुप्ता इंडिया के लिए निकले। इंडिया में उनको सपोर्ट किया राज बिहारी बोस ने और सचिन सान्याल ने। ये मूवमेंट अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज की गई, प्लान की गई, प्रॉपर सारा प्लान बन चुका था। तभी एक ट्रेटर ने जाके, गद्दार ने जाके, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी उनको जाके इनका सारा प्लान बता दिया कि ये कौन सा रूट फॉलो करने वाले हैं, क्या क्या इनके पास चीज़ें हैं और कभी ये किस टाइम क्या अटैक करेंगे। तो जो रेबिलियन ये होने वाला था इसको ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने आके दबा दिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसिव एक तरीके से रेवोल्यूशन हुआ, कई लोगों की जान गई और लास्ट में ये ख़त्म हो गई जो गदर मूवमेंट थी। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था कि जो भी रेबिलियन रेजिमेंट्स थे उनको अथॉरिटीज़ ने मारपीट के फिर डिसबैन कर दिया, लीडर्स को अरेस्ट कर दिया या फिर डिपोर्ट कर दिया। बेसिकली गदर मूवमेंट जो है वो याद किस लिए की जाती है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम इस तरीके से मिलिटेंट नेशनलिज्म आया था, मतलब रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स निकल के आए थे और एक कंप्लीट सेक्युलर अप्रोच थी। देखिए जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो थे उनको ये कह दिया गया था कि ये तो प्रो हिंदू है, मतलब ये तो हिंदूज के फेवर में करते हैं, और जो मुस्लिम लीग फॉर्म हुई थी वो बेसिकली क्या कर रही थी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए, आप हमें 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए। पर जो गदर मूवमेंट थी वो सिर्फ एक ऐसी मूवमेंट थी इंडियन हिस्ट्री में जो कि कंप्लीट सेक्युलर अप्रोच के साथ लॉन्च हुई थी। अगर हम रेवोल्यूशनरीज को देखते हैं यूरोप के अंदर, तो यूरोप में बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस लॉन्च हुई। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1915 में बाय वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्ता और लाला हरदयाल ने। और यहाँ पे जो बेसिकली हेल्प मिली थी वो जर्मन फॉरेन ऑफिसर्स की मिली थी रेवोल्यूशनरीज को, जिसको कि जिमरमैन प्लान के अंदर लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जो एम था वो ये था कि जो इंडिया में सेटल, इंडिया के लोग हैं जो सेटल होने आए हैं अब्रॉड में, को उनको वॉलंटियर आर्म्स बना के इंडिया वापस भेजा जाएगा और वहाँ पे रेबिलियन कराई जाएगी अमंग इंडियन ट्रूप्स। तो ये जो था बेसिकली बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस का काम था। अगर हम देखते हैं कि इंडिया के टाइम, इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी किस तरीके से हो रही थी वॉर के टाइम में, तो पंजाब और बंगाल में बेसिकली रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हुई थी। और बंगाल में जब गदर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो उसमें राज बिहारी बोस ने और सचिन सान्याल ने इस मूवमेंट को लेड किया था। अब आता है होम रूल लीग मूवमेंट। देखिए जो होम रूल लीग मूवमेंट था वो आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट के एक फुट हिल्स पे हुआ था और इसको रिप्रेजेंट किया था एज एन एग्रेसिव पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो आसानी से पिटीशन मीटिंग से नहीं मानेगा, आपने सब कुछ करके देख लिया, इनके अगेंस्ट एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी तभी वो हमारी बातों पे ध्यान देंगे। तो एनी बसंत और बाल गंगाधर तिलक उन दोनों ने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। और देखिए ऐसे क्या फैक्टर्स रहे थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट शुरू हुई। पहली बात तो जो नेशनलिस्ट थे उनको ये फील होने लग गया था कि हमें गवर्नमेंट के ऊपर एक पॉपुलर प्रेशर देना पड़ेगा तभी हमें उनसे कुछ कंसेशन मिल सकता है। वहीं पे जब मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए 1909 में तो हमने देखा कि वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी दी गई थी, और नॉन ऑफिशियल्स कौन थे, जो कि इलेक्टेड नहीं हुआ करते थे, नॉमिनेटेड हुआ करते थे। तो जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कहा कि आप रिफॉर्म तो लेके आए पर आपने हमें फिर पागल बना दिया। तो मॉडरेट्स भी इस बात से बहुत गुस्सा थे। फिर वहाँ पे जब वो टाइम मिजरीज हो रही थी, वो टाइम मिजरीज में जितने भी रिसोर्सेज थे इंडिया के वो ब्रिटेन में जा रहे थे, जितनी भी कमाई हो रही थी वो ब्रिटेन में जा रही थी। यहाँ पे टैक्सेस जो थे वो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर लगाने शुरू कर दिए थे, रेवेन्यूज, लैंड रेवेन्यूज को और बढ़ा दिया गया था। तो ये जो वो टाइम मिजरीज थी इसकी वजह से भी लोगों के अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन बन चुका था। जो एक वाइट सुपेरिटी का मिथ था लोगों के बीच में कि वाइट हैं तो ये सुपीरियर है, जब उन्होंने उनको ही लड़ते देखा आपस में छोटी छोटी कॉलोनीज के लिए, तो ये जो मिथ था ये ख़त्म हो गया।
और फिर जो तिलक थे वो अब रेडी थे कि मैं लीडरशिप एज्यूम कर सकता हूँ। एनी बसंत जो थी वो भी ये चाहती थी कि वो जो अपना एक्टिविटीज़ का स्फेयर है अब उसको एनलार्ज कर सके, क्योंकि वो 1896 से काम कर रही थी और अब 1915 का टाइम आ चुका था जब वो चाहती थी कि वो अपनी एक्टिविटी को नेशनल लेवल पर ले जा सके। तो अर्ली 1915 में एनी बसंत ने एक कैंपेन लॉन्च किया और ये कहा कि मुझे सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। और इन्होंने दो न्यूज़पेपर्स की हेल्प से, मतलब ये न्यूज़पेपर एनी बसंत ने ही पब्लिश करने शुरू किए, जिसका फर्स्ट नाम था न्यू इंडिया और सेकंड था कॉमनवेल्थ। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि फर्स्ट फीमेल ऐसी थी जो इस तरीके की एक्टिविटी कर रही थी। और अभी सरोजिनी नायडू जो थी वो न्यूज़ में थी, तो सरोजिनी नायडू और जो एनी बसंत के बीच के फैक्ट्स होते हैं उससे यूपीएससी कन्फ्यूज करके पूछता है कि एनी बसंत से रिलेटेड जो चीज़ होती है वहाँ पर सरोजिनी नायडू का नाम दे दिया जाता है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एनी बसंत फर्स्ट वीमेन थी जो कि प्रेसिडेंट बनी थी, और सरोजिनी नायडू ऐसी इंडियन फीमेल थी, ठीक है। तो इंडियन और फर्स्ट में आपको डिफरेंस याद रखना है। 1915 में जो कांग्रेस सेशन था उसमें एक बेसिक, एक अच्छी अचीवमेंट क्या हुई कि जो तिलक और एनी बसंत के एफर्ट्स थे उसके बाद कांग्रेस के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट को सूरत स्प्लिट से बाहर निकाला गया था, दोबारा एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पे एडमिट कर लिया गया। फिर जो एनी बसंत थी उन्होंने कांग्रेस के सामने अपना होम रूल लीग की बात रखी, तो कांग्रेस ने उन्हें कहा कि देखिए अगर आप खुद इसको चलाना चाहती हैं मूवमेंट को तो आप चला सकते हैं, बट कांग्रेस इसमें आपका साथ नहीं देगी। तो कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया उनकी स्कीम को, तो वहां पे एनी बसंत ने खुद पे खुद अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया। जो तिलक की लीग सेटअप हुई थी वो अप्रैल 1916 में हुई थी, और यहां पे उनकी जो लीग थी वो कुछ ही एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड थी, जैसे कि उन्होंने महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट किया, बस महाराष्ट्र में उन्होंने बॉम्बे सिटी को एक्सक्लूड कर दिया। फिर महाराष्ट्र के साथ कर्नाटका में, सेंट्रल प्रोविंस में और बेरार में तिलक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, और यहाँ पे डिमांड्स रखी गई कि हमें स्वराज्य चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो स्टेट्स की आप फॉर्मेशन करेंगे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे करेंगे, हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स चाहिए। और उन्होंने कहा कि देखिए आप जो एजुकेशन दे रहे हैं वो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि आप उसको अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप एजुकेशन वर्नैक्युलर लैंग्वेज में दें ताकि बच्चे सच में उस एजुकेशन को ले सके। और वहीं पे अगर हम बसंत की लीग को देखते हैं, यानी बसंत की, तो वो सितंबर 1916 में सेटअप की थी, और ये मद्रास में और जो रेस्ट ऑफ इंडिया का एरिया था उसे कवर कर रही थी, और ये इन्होंने ही, यानी बसंत ने ही बॉम्बे सिटी को भी कवर किया था। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र को तिलक ने किया था बट बॉम्बे को बसंत ने किया था, ठीक है। फिर देखिए कि ये जो होम रूल लीग मूवमेंट थी इसको एंग्लो इंडियंस ने, मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स ने और जो साउथ इंडिया के नॉन ब्राह्मण्स थे उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये जो मूवमेंट है ये बेसिकली मेजॉरिटी हिंदूज के लिए है, मतलब कि रूल ऑफ हिंदू होगा इससे, और रूल ऑफ हिंदू में भी जो हाई कास्ट है उनका होगा, तो जो नॉन ब्राह्मण्स थे उन्होंने भी इसमें साथ नहीं दिया था। अब देखिए एक चीज़ जो इसका प्लस पॉइंट था वो ये था कि जो पॉलिटिकली बैकवर्ड एरिया थे गुजरात के और सिंध के, इस मूवमेंट ने उसको अट्रैक्ट किया था, और अब ये एरियाज भी नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन गए थे। तो यहाँ पे जो लिबर्टी के लिए बात कही गई थी कि इंडिया को फ्रीडम कैसे मिल सकती है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को प्रमोट किया गया था, जैसे कि पॉलिटिकल एजुकेशन के बारे में कहा गया कि लोगों के अंदर एजुकेशन होनी ज़रूरी है ताकि उनको अपने राइट्स का पता चल सके। और वो किया कैसे जाता था, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू डिस्कशन करके, लाइब्रेरीज को ऑर्गेनाइज करके, और रीडिंग रूम सेटअप किए गए थे जहाँ पे कि नेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक्स हुआ करते थी। सोशल वर्क यहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, और जो लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज थी उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कराया गया। गवर्नमेंट का इस मूवमेंट के लिए क्या एटीट्यूड था, एज ऑलवेज अब हमेशा की तरह सबसे पहले रिप्रेस किया गया इस मूवमेंट को, और जो सबसे ज़्यादा रिप्रेशन हुआ था हैविली वो मद्रास में हुआ था। और देखिए जो तिलक थे उनके अगेंस्ट एक केस इंस्टीट्यूट कर दिया गया कि आप एक तरीके से गद्दार हैं, और उनको ये मना कर दिया गया कि आप पंजाब और दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते हैं। जुलाई 1917 में एनी बसंत और उनके जितने भी एसोसिएट थे उनको अरेस्ट कर दिया गया था। तो क्या क्या ऐसे रीजंस रहे थे कि 1919 आते तक ये जो मूवमेंट थी इसका एजिटेशन फेड हो गया था, पहली बात तो देखिए जहाँ पे एनी बसंत अरेस्ट हो चुकी थी तिलक के ऊपर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए गए थे, तो कोई भी एक अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही थी, तो लैक ऑफ अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मूवमेंट फेड हुई। फिर कॉम्युनल रॉइड्स होने शुरू हो गए थे, देखिए लोग जो थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि हमें नेशनल
फ्रीडम चाहिए। उनको ये होता था कि अगर हिंदूज़ ने कोई चीज़ शुरू की है तो वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो जाते थे कि अपने लिए कर रहे हैं, और मुस्लिम्स कुछ शुरू करते थे तो हिंदूज़ उनके अगेंस्ट हो जाते थे कि मुस्लिम अपने लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने एक साथ मिलकर नहीं काम किया, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हुए। फिर जो मॉडरेट्स थे उन्होंने जो बेसेंट के अरेस्ट के बाद लीग को ज्वाइन किया था, तो दोबारा सरकार ने उनको ऐसे ही पागल बनाया, उनको कहा कि हम तो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, अगर आप इसको लीग को ज्वाइन करेंगे तो हम रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, तो मॉडरेट्स दोबारा पीछे हट गए। फिर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे जुलाई 1980 में, उसने नेशनलिस्ट रैंक को और सब डिवाइड कर दिया, और जो तिलक थे उनको अपने एक केस लड़ने के लिए अब्रॉड जाना पड़ा, जिसकी वजह से कोई भी रूलर फिर इंडिया में नहीं बचा। क्या क्या पॉजिटिव गेंस से जो होम लीग मूवमेंट से हुए थे, पहला तो ये था कि देखिए जो एजुकेटेड एलाई में अब तक मूवमेंट थी, मतलब इम्फेसिस जो था मूवमेंट का वो सिर्फ एजुकेटेड एलाइट तक हुआ करता था, वो अब मासेस में फैल चुका था। तो गांधी जी के स्ट्रगल के लिए एक तरीके से मासेस तैयार हो चुके थे इस टाइम में, और एक ऑर्गेनाइजेशन लिंक सेटअप किया गया टाउन और कंट्री के बीच में, और सबसे बड़ी चीज़ की जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो दोनों अब दोबारा रीयूनाइट हो चुके थे। तो ये सारा होम रूल लीग के बारे में था। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं लखनऊ सेशन 1916 को। देखिए जो लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था उसको प्रेसाइड किया था एक मॉडरेट लीडर जिनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार जी। तो देखिए जो लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीडर्स के बीच में हुआ था। अब देखिए अब आप एक चीज सोचेंगे कि 1909 में जहाँ पे मुस्लिम्स ने जाके ये कहा लॉर्ड जो उनके वाइसरॉय थे कि आप हमें अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, हम आपके डिफेंस में हमेशा खड़े रहे हैं, तो अब ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम लीडर्स कांग्रेस से आके एसोसिएट हो गए। क्योंकि देखिए अब जो मुस्लिम लीग थे उसके अंदर यंगर मिलिटेंट नेशनलिस्ट आने लग गए थे, और वो ये सोचते थे कि यार हमें कम्युनिटी में घुसे नहीं रहना है, हमें एक ब्रॉड लेवल पर सोचना है, हमें अपनी कंट्री के बारे में सोचना है। तो ये जो एक नई तरीके से यंगर मिलिटेंट नेशनलिस्ट आए थे उन्होंने मुस्लिम्स की थिंकिंग को ब्रॉडन अप किया था, और उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स को सराहा और कहा कि ठीक है हम भी अब एंटी इंपीरियलिस्ट ही टर्न होंगे। एंटी इंपीरियलिस्ट वो क्यों टर्न हुए थे, क्योंकि वो तो प्रो इंपीरियलिस्ट थे, वो तो ब्रिटिश थे उनको बचा रहे थे। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या था कि जो ब्रिटेन था उसने टर्की को हेल्प करने से मना कर दिया था, और टर्की में जो खलीफा रूल हुआ करता था वो रिलीजियो पॉलिटिकल लीडरशिप थे और सभी मुस्लिम के। तो जब इटली की लड़ाई हो टर्की की लड़ाई हो रही थी बल्कन्स के साथ और इटली के साथ, तो ब्रिटेन ने कोई भी हेल्प टर्की की नहीं की, तो सबसे पहले ऑफेंड हो गए मुस्लिम्स इस बात पे। फिर देखिए जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, तो कुछ मुस्लिम्स बहुत खुश थे इस बात से कि हमें अपना खुद का बंगाल मिल गया, पर जब उस पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया 1911 में, तो जिन सेक्शन ऑफ मुस्लिम ने सपोर्ट किया था पार्टीशन को वो ऑफेंड हो गए कि हमने सपोर्ट किया और फिर आपने उसको एनुलमेंट कर दिया इसका। फिर देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी सेटअप करने से मना कर दिया, और वही लास्ट रीजन आया कि जो यंगर लीग के मेंबर्स थे उनकी एक ब्रॉडर नेशनल पॉलिटिक्स के थ्रू अप्रोच थी, वो एक नैरो वे में रहना नहीं चाहते थे। तो जो जॉइंट डिमांड्स थी यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर साथ में की थी वो ये थी कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट को ये बोलना है कि सेल्फ गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इंडियंस को मिलेगी एट एन अर्ली डेट, ये जॉइंट डिमांड रखी गई। दूसरी डिमांड ये रखी गई कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एक्सपेंड कीजिए, और अब की बार आप हमें पागल नहीं बनाएंगे, आप नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी नहीं रखेंगे, आप इलेक्टेड मेजोरिटी रखेंगे, मतलब कि ये जो आप इंडियंस को ला रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो इलेक्शन बेसिस पे होगा, ना कि नॉमिनेशन बेसिस पे होगा। और जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एक इंडियन को इंक्लूड किया गया था सत्येंद्रनाथ सिन्हा जी को, ये कहा गया कि सिर्फ एक मेंबर से कुछ नहीं होता, एटलीस्ट आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाफ मेंबर्स इंडियंस होने चाहिए। तो ये जॉइंट डिमांड्स रखी गई थी, हालांकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी मानी, क्योंकि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, तो दोबारा मॉडरेट्स और जो मुस्लिम लीग के लोग थे और जो लीडर्स थे उनको यहाँ पे एक तरीके से दोबारा फिर परेशानी ही देखनी पड़ी थी, क्योंकि उनकी बातें नहीं मानी गई थी। तो कल की जो वीडियोस अब आगे आएंगी उसमें हम देखेंगे कि 1919 से 1939 तक किस तरीके से स्ट्रगल आगे बढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।